गुरु मंत्रों की कक्षा 5 विषय पर आज का प्रश्न हमारा है भागफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 5/4 में 2/3 का भाग देना है, ठीक है। तो उसे कैसे याद करेंगे, यहाँ पर 5/4 लिखा हुआ है, 5/4 लिख लेना है। यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, उसकी जगह पर गुणा का चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। अब पीछे की जो भिन्न है उनके अंगों को बदल देना है। देखिए यहाँ पे अंश की जगह 2 लिखा हुआ है, हर की जगह 3 लिखा हुआ है, तो अंश की जगह हमें 3 लिख लेना है और हर की जगह हमें 2 लिख लेना है। या एक भाषा में देखें, नीचे वाले अंक को ऊपर लिख लेना है और ऊपर वाले अंक को नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में बड़ा कर लेना है, ऊपर का ऊपर के अंक से और नीचे का नीचे के अंक से, ठीक है। तो 3 का 5 में करेंगे तो 3×5=15, 2×4 में करेंगे तो 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको देखिए, आप यहाँ पर 3/4 किया है, घर का चिन्ह 5 अकेला है, इसके नीचे कोई अंक नहीं है, तो हमें सबसे पहले 1 लिख करना है, ठीक है। अब क्या करना है, 3/4 भाग के चिन्ह की जगह हमें गुणा का चिन्ह लगा लेना है और 1 को ऊपर लिख देना है और 5 को नीचे। अब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 का 3 आएगा, 5×4 करेंगे 5×20, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, आप लोगों को एडब्ल्यू दिया गया है, कॉपी पे नोट करना है और फिर इसके बाद आप सॉल्व करना है। थैंक यू।